आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 6 फरवरी से हमारी एमबी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की एक एक टॉपिक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, जिससे आप क्या है होने वाले 6 फरवरी के पेपर में एकदम क्या है तबाही मचा दोगे। तो क्रम से मैं आपको टॉपिक बताते जा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम क्या है काव्यबोध वाला जो सेक्शन है अपना काव्यबोध व्याकरण वाला, इसके हम क्या है अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। मतलब इस सेक्शन से आपके जितने टाइप के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो गारंटी के साथ इस सेक्शन से अगर वस्तुनिष्ठ आता है आपसे जरूर बन जाएगा। ओके, और वस्तुनिष्ठ में आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ की लगातार आप पूछते हैं तो अब उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिलेक्ट क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ला रहा हूँ आपके सामने। केवल और केवल आपको क्या वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। जितने क्वेश्चन बताऊँ वीडियो देखते ही देखते आपको क्या तैयार करते जाना है। आपके क्या है जिस हम जब क्या है एक एक टॉपिक के बेहतरीन तरीके से वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो गारंटी के साथ क्या है वस्तुनिष्ठ में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने आपको क्या है क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वाले कवर कराई दिए हैं, उनकी वीडियो देखकर आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, वस्तुनिष्ठ में लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल देखकर समझते जाइएगा। ओके, तो काव्यबोध के हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पूरी मेहनत इस वीडियो में होने वाली है। ओके, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि क्या है कंप्लीट टॉपिक के मैंने वस्तुनिष्ठ जितने टाइप के बन सकते थे इस वीडियो में कवर किए हैं, ध्यान से अंदर देखिएगा। ओके, तो तैयारी में क्या है लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको लगन होनी चाहिए आत्मविश्वास के बिना, साथ ही आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि अगर आपने 95% का लक्ष्य बनाया है तो मैं उसे प्राप्त कर पाऊंगा। ओके, जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो दूसरे आप पर क्या विश्वास करेंगे। तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैं बेहतरीन तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूं तो गारंटी के साथ दोस्तों मैं क्या है अच्छे नंबर ला पाऊंगा, ये आपको विश्वास रख के चलना है। देख लेते क्वेश्चन। ओके, तो काव्यबोध के स्टार्ट कर लेते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन क्या है कंप्लीट में आपको जितने टाइप के वस्तुनिष्ठ हो गए इस बनेंगे मैं कवर कर दूंगा। कंप्लीट मतलब आपके क्या है तैयारी हो जाएगी वस्तुनिष्ठ की इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहला हमारा उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं। तो उत्तेजना का जो मूल कारण होता है वो होता है किसके विभावना के कारण, रस में जो होता है विभाव उसके कारण क्या है उत्तेजना का मूल कारण है। ओके, नेक्स्ट करुणा रस का स्थायी भाव। मैंने आपको जब क्या है काव्यबोध का पढ़ाया था, काव्यबोध में मैंने आपको रस का चैप्टर डिटेल से पढ़ाया है जिसमें मैंने आपको कहा था कि दोस्तों आपके जितने भी रस 10 रस हैं आपको पता है 10 के 10 रस के स्थायी भाव याद कर लीजिएगा, इससे आपके वस्तुनिष्ठ जरूर आता है। इसी टाइप का करुणा रस का स्थायी भाव मैंने आपको तैयार कराया है कि शोक होता है। ओके, नेक्स्ट है दसवां रस माना जाता है, दसवां रस कौन सा माना जाता है, सबसे लास्ट वाला कौन सा रस है वो असर रस। ओके, नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है जहां एक ही शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार हो वहां होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, टॉपिक में नहीं है वैसे आपके लेकिन आप यहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के प्रकार माने जाते हैं, तो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के 3 प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है, तो वहां क्या है शब्द अलंकार होता है। ओके, अलंकार के जो बेसिक टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए अलंकार आप पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है कवित, ये हम पढ़ चुके हैं कवित छंद होता है, कवित के छंद के प्रत्येक चरण में होते हैं, तो कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं 31 वर्ण होते हैं। फिर ये आपका दुर्मिल है। ओके, दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दुर्मिल सवैया बेहतरीन तरीके समझाया है। आपके सिलेबस में क्या है आपकी सिलेबस में सवैया है। ओके, सवैया के अंदर दो होते हैं, सवैया के अंदर बहुत सारे आपके क्या है छंद होते हैं लेकिन मोस्ट कौन है एक बंदगंदे सवैया है, एक दुर्मिल सवैया है। मैंने उनको डिटेल से समझाया है, उन्हें याद कर लीजिएगा, परिभाषा उनकी पूछी जा सकती है। ओके, और ऑब्जेक्ट इसलिए मैं पढ़ा रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट जरूर बनते हैं, दुर्मिल सवैया कितने होते हैं तो उसका राइट आंसर 24 वर्ण होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के भेद माने जाते हैं, शब्द शक्ति शब्द गुण भी पढ़ा चुका हूँ, भाषा बोध का पहले पार्ट आ चुका है उसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया। ओके, ये आपके काव्य बोध में है, तो काव्य बोध के मैं आपके सेकंड पार्ट में मैंने आपको शब्द शक्ति पढ़ाई थी, तो ये 3 होते हैं आपके शब्द शक्ति भी 3 भेद होते हैं और शब्द गुण के भी 3 भेद होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सूर्योदय हो गया, इस शब्द में शब्द शक्ति है तो कौन सी इस हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा व्यंजन, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है सिंगार शांत एवं करुणा रस में विशेष रूप में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है माधुर गुण में, माधुर गुण की जब बात करते हैं तभी हमें क्या है माधुर गुण में सिंगार शांत और करुणा रस की विशेष प्रधानता होती है। अब वीर भयानक रौद रसों की प्रधानता होती है तो ओज गुण में, यहाँ पहले में देख लिया वीर, वीरता में जब क्या है वीरता मतलब ओजी उत्साह की बात हो, तो ओज उत्साह की बात किसमें होती है ओजी गुण में होगी, ये है। अब इस प्रकार से पकड़ना है शब्दों को और अपना निकाल लीजिएगा अर्थ। ओके, नेक्स्ट है जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय हृदय क्या है पर छा जाए और उसमें क्या है मौजूद होता है तो उसे कहते हैं प्रसाद गुण। ओके, जो हमारे दिल को छू जाए, हम कहते हैं ये हमारी बात दिल को छू गई, तो ऐसी जब बात हो, ओके, ऐसी बात हो, ऐसी पंक्तियां हो तो उसमें होता है आपका प्रसाद गुण। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंधित है, चित्त की उत्तेजना मतलब क्या है ओज की बात कर रही है, ओके, जोश की बात हो रही तो आपका ओज गुण हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके दिए सही विकल्प के आपके आंसर भी, तो आप इसे देख सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं हम रेगिस्तानों की पूर्ति सीख लेते हैं। ओके, पहला है साहित्य के क्षेत्र में संज्ञा के आस्वादन से प्राप्त आनंद भूति को क्या की संज्ञा दी गई है, तो किसे क्या संज्ञा दी है रस, रस की परिभाषा एक प्रकार से आप कह सकते हो। नेक्स्ट है एक स्थायी भाव के बीच
परिस्थितिवश अनेक भाव का संचार होना है, होते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं, आपके कहे संचारी भाव कहते हुए, तो ये आपकी संचारी भाव की परिभाषा दी गई, ओके, संचारी भाव कह गए हैं, ओके। नेक्स्ट है, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या है, संचारी भाव कहते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर पढ़ाया था, तो मैंने आपको अच्छे से स्थायी भाव समझा दिया था, संचारी भाव को समझा दिया था। स्थायी भाव मतलब क्या है, स्थायी होते हैं, ऐसे भाव जो हमारे चित्त में हमेशा के लिए बने रहते हैं, और संचारी भाव कहते हैं जो क्या है, पानी के बुलबुले की तरह मिटते हैं फिर बनते हैं, मिटते हैं फिर बनते हैं, वही लिखा हुआ है अस्थिर, ओके, अस्थायी भाव, अस्थायी मतलब जो स्थायी नहीं, जो स्थायी नहीं मतलब वो संचारी भाव, और स्थायी भाव के हमेशा स्थायी रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, अनुभव कहलाती हैं, ओके। नेक्स्ट है, काव्य सौंदर्य शोभाकांतरंद धर्मांत अलंकारम प्रचेत, ओके, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो आचार्य दंडी के द्वारा दी गई, ओके। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है, अलंकार में अंत तक संशय बना दो, संदेह अलंकार होता है, मैं संदेह अलंकार समझा चुका हूँ, किसमें क्या अंत तक संदेह बना रहता है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, एक दोस्तों आप उदाहरण दे दीजिएगा, संदेह अलंकार का उदाहरण जो आपने तैयार किया है कमेंट बॉक्स में अपना उदाहरण जरूर बताइएगा, ओके, कौन सा आपने उदाहरण तैयार किया संदेह अलंकार में। अब आगे देख लेते हैं, ऐसे के स्थान देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विरोध ना होते हुए भी विरोध का भास हो, वहां होता है नामी से, विरोध ना होते हुए विरोध का भास, विरोधाभास, विरोधाभास, नामी है विरोधाभास, ओके, तो विरोधाभास आपका अहंकार हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, ओके, तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, ओके, कि मैं निजरोधर में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो जुड़े श्याम रंग त्यो तो जल हुई, इस प्रकार से मैंने आपको दो एग्जाम्पल आपको बताए हैं, उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है, डेट एड्रेस मासिक और वर्णित भेदों के आधार पर ध्वनियों के क्रम में से यति और गति नियमों से बना होता है, क्या छंद कहते हैं, ये अपनी छंद की परिभाषा है, लगभग इसमें क्या है, आपके जो आपने अगर परिभाषा उदाहरण तैयार कर लिए तो वस्तु निष्ठ से बनी जाएंगे, परिभाषा भी यहाँ से आपकी तैयार होती है, रिवीजन भी होता जा रहा है, ओके। छंद के डेड एड्रेस के प्रकार, छंद के दो प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णित छंद, आपको पता है। जैसे जिन छंदों में क्या है मात्राओं की गिनती की जाती है, उन्हें क्या है मात्रिक छंद कहते हैं, ओके। और डेड एड्रेस छंदों में गण होते हैं, तो इसमें वर्णित छंद में क्या है गण होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, भूरा तो उल्लू है, जो भूरा है वो उल्लू है, तुम्हें कौन सी शब्द शक्ति है, तो उसमें क्या है लक्षणा शब्द शक्ति, ओके। जैसे राजा सूरजमल शेर थे, मैं शब्द शक्ति है, तो उसमें भी आपकी लक्षणा है, ओके। नेक्स्ट है, माधुर गुण में डेड डेस वर्णों की प्रधानता होती है, तो इसमें कोमल वर्णों की, ओके, कोमल की, कोमल वर्णों की इसमें क्या है प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, मनोविच गुणों के अनुकूल ही डेड डेस भी होता है, तो क्या होता है शब्द गुण होते हैं या काव्य गुण कह सकते, ओके। अब आगे देख लेते हैं, हे प्रभु आनंददाता, डेड डेस में कौन सा गुण है, तो प्रसाद गुण है, जब मैंने आपको कहा प्रसाद गुण का आपको परिभाषा आपकी बताई थी, आपको क्या परिभाषा बताई थी, उदाहरण समझाया था, तो मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, यही आपको है, सबसे आसान है, याद भी से कर लीजिए प्रसाद गुण की परिभाषा, ओके, आपके उदाहरण में। आगे देख लेते हैं, ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम देखेंगे सत्तासत, ओके, इससे पहले बता दूं, अभी तक आपने क्या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मेरी मेहनत पसंद आ रही है आपको, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ओके, समझा रहा हूँ, अगर मेरे समझाना समझ में आ रहा है जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, ओके। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, ओके। आगे देख लेते हैं, अभी हम सत्तासत देख लेते हैं, सत्तासत में पहला हमारा स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, रस के चार अंग है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, रस के चार अंग होते हैं जो कि नाम दिए गए, ओके। नेक्स्ट है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवश रस दसवा रस माना गया, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो बासल रस है वो क्या है दसवा रस माना जाता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव निर्भेद है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा, ओके। इससे संबंध जरूर क्वेश्चन बनता है कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, याद कर लीजिएगा, दस के दस रस और उनके स्थायी भाव। नेक्स्ट है, सिंगार रस के स्थायी भाव हास होता है, बिल्कुल असत हो जाएगा, ओके। सिंगार रस का क्या होता है रति होता है, जबकि हास बता रहा तो असत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता का आभूषण अलंकार है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कि रस्सी नहीं सांप है मैं भ्रांतिमान अलंकार है, तो ये हमारा क्या है सत्य हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ क्या है, रस्सी नहीं सांप, मतलब किसमें भ्रम हो गया, रस्सी में क्या है भ्रम हो गया, मैं सांप दिखने लगा, रस्सी डली हुई हमें लग रहा है यहाँ ये तो सांप है, तो मैं क्या है भ्रम हो गया, इसलिए आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है, जहाँ लोक सीमा के से परे बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, बिल्कुल असत हो जाएगा। ये किसी परिभाषा दी है, ये दी हुई है आपकी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई, ओके, जबकि यहाँ विरोधाभास अलंकार की, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ण मात्रा यति चरणत्व का और गण छंद की अंग है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवित्त एक वर्ण छंद है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 22 से लेकर 26 वर्णों के छंद क्या है सवैया कहलाते, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सवैया की परिभाषा ही है, सवैया की परिभाषा है ऐसे वे सभी छंद जिसमें क्या है 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, सवैया छंद कहलाते, ओके। परिभाषा आपने याद कर ली होगी, मैं पूरा आपको क्या है काव्य बोध में पूरा आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं, अगर आपने वे टॉपिक पढ़ ली होगी परिभाषा उनके उदाहरण याद कर लीजिएगा, ये सब आप क्या है आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ बनते कहां से, जो आपका मेन टॉपिक होता है उसी से क्या है 20-20 से वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुर्मिल सवैया का दूसरा छंद कला है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ये मैं दुर्मिल सवैया पढ़ा
बताया था उसी में आप देखिएगा, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि दुर्मे सवाई को है चंद्र कला भी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोहा मात्रक छंद है तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति के दो प्रकार शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना बताए गए हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द शक्ति पांच प्रकार की होती है तो हमारे क्या है असत्य हो जाएगा, क्योंकि शब्द शक्ति भी तीन प्रकार के होते हैं और शब्द गुण भी तीन प्रकार के होते हैं। ओके नेक्स्ट है ओज गुण में शांत रस की कविताएं होती है तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ओके क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि ओज गुण में जोश वाली मतलब बी रस वाली होती है, शांत रस कह रहा तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि माधुर गुण बिल्कुल शांत वाला होना चाहिए। ओके चित्त की उत्तेजना किसमें होती है ओज गुण में होती है तो हमारे असत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी जितनी सही जोड़ियां तो आप देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। ओके अभी तक दोस्तों हमने कहा है हिंदी के अपने कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया तो हिंदी के कंप्लीट कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप क्या है कम समय में बचे हुए कम समय में एक ही दो दिन का गैप बचा हुआ है ओके और एक दो दिन के मैं आपके कंप्लीट हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा ये रहेगा कंप्लीट आपको जो मटेरियल है हिंदी का पूरा क्लास तो हिंदी का वो चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो आपकी पुस्तक से संबंधित हो पूरा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा तो पढ़ने में आसानी होगी, वीडियो सॉल्यूशन तो रहेगा ही। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 249 रुपए है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके, 50% ऑफ चल रहा है, 125 रुपए मात्र फीस है, केवल एक कॉपी कीमत है। रफ कॉपी भी लेते हैं तो 100 रुपए में 150 में आपकी आ जाती है, इतने में आपको क्या है पूरा क्लास 12 का हिंदी का मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके तो सही जोड़ियां इस प्रकार से हमारी दी हुई हैं। तो पहले तो सही जोड़ी में एक साइड में क्या दिए है ये रस दिए है, इस साइड उनके स्थाई भाव दिए है, मिलाना है। देख लेते हैं भयानक रस का दोस्तों क्या होता है, भयानक का नाम ये भय, भय से भय हो जाता है, इस प्रकार से याद रखिए आप। ओके अद्भुत, अद्भुत मतलब विस्मय हो जाता है। ओके विस्मय हो जाता है मैं तो विस्मय हो जाता है। ये है विवस रस, विवस मतलब घृणा वाला। ओके तो ये हो जाता है जुगस्वा, ये तीसरा हो जाएगा। शांत रस का स्वाय और निर्वेद होता है, बासर रस का होता है बसल, ये हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको तैयार कर लेना। 10 रस है, 10 के 10 के अभी तक आप स्थाई भाव नहीं है याद कर लीजिएगा। 2 से 3 नंबर आपके यहाँ ऑब्जेक्ट में आपके बन सकते हैं, एक दो नंबर बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए जरूर अच्छे तैयार कर लीजिए। ओके स्थाई भाव सभी रस उनके स्थाई भाव, आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों अब दोस्तों हमारी दूसरी सही जोड़ी इसे देख लेते हैं। तो अचार डंडी, तो अचार डंडी को मिलाना 10 शब्द गुण, इन्हें क्या है अचार डंडी ने 10 शब्द गुण माना, जबकि शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं लेकिन अपनी तरफ से इन्हें दिए होंगे तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ काव्य सुनने में मन पुलकित हो उठे वहां कौन सा होता है, तो क्या है मन पुलकित हो चुका है, मन खिल चुका है, तो वो माधुर गुण में होता है ऐसा। ओके नेक्स्ट है माधुर ओज प्रसाद, माधुर ओज प्रसाद के हैं शब्द गुण है आपके, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कवित्व, तो चौथा का दोस्तों आपका राइट आंसर सा नंबर 4 चरण होते हैं। कवित्व में कितने चरण होते हैं, कवित्व में 4 चरण होते हैं। ओके अलंकार के प्रकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 में, इस प्रकार से कंप्लीट होता है, ये आपके आंसर दिए हुए। ओके अब दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा सही जोड़िए रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, इसमें है आपका सा नंबर का संधि अलंकार। अब ओके अब ऐसा क्यों है रस्सी है या सांप, मतलब इसमें क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं हो पाया, लगा हुआ है रस्सी है कि सांप, अभी क्लियर नहीं है, मतलब ये संधि है, संधि में आपका संधि अलंकार। ओके अब रस्सी नहीं सांप है, अपन ने फिक्स कह दिया कि भाई ये रस्सी नहीं है सांप है, तो ये हो जाएगा भ्रांति मान। अब क्योंकि हमें 100% हो चुका है, इसमें भ्रम बन चुका है, इसलिए भ्रांति मान अलंकार हो जाएगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, शब्द और अर्थ के आधार में अर्थ का संबंध होता है, तो चौथे का राइट आंसर आपको 2 नंबर का। ओके ये आपको चौपाई छंद इसमें नहीं है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपकी इस पर सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आध ऑब्जेक्ट आगे है तो इस पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के भेद है, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, तो आपका 2 नंबर का हो जाएगा, तो 5वां। इस प्रकार से मैंने आपको कहीं सही जोड़ी बता दी, इसके आंसर आपके ये दी हुई। अब दोस्तों हम देखेंगे एक वाक्य है। ओके एक वाक्य में दोस्तों हमारा पहला है 10वां रस किसे माना जाता है, 10वां रस हम अभी 2-3 बार पहले पढ़ के आ चुके हैं, अभी पता है वासर रस को माना जाता है। नेक्स्ट है वासर रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम था, तो सूरदास ही हैं वो कवि जिनके कारण क्या है वासर रस को वासर रस कहा जाता, मतलब पहले ये रस नहीं था लेकिन क्या सूरदास जी के कारण सूरदास ने वासर रस की इतनी बेहतरीन तरीके कविताएं लिखी तो इसे क्या एक रस दे दिया गया। ओके तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा शांत रस का स्थायी भाव होता है, तो हमें पता है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका काम की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, उससे बाहर सिलेबस तो फिक्स ही अपना कि अलंकार इतना है, ये छंद है, ओके ये रस है, उतना इसके अलावा तो जाना नहीं है, तो उन्हीं को बार बार पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, तो बस आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे नंबर। ओके नेक्स्ट है जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहीं अलंकार का कौन सा प्रकार है, वो होता है आपका शब्द अलंकार। शब्द से अगर शोभा बढ़े तो शब्द अलंकार, अर्थ से शोभा बढ़े तो अर्थ अलंकार। ओके नेक्स्ट है जहाँ एक ही शब्द की समान अर्थ आवृत्ति हो वह कौन सा, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके जैसे छंद के अंग कौन से हैं, तो आपको क्या है वर्ण, यात, मात्रा, यति, चरण, तुक, ये आपके आपके क्या है
छंद के अंग होंगे। साथ ही भी कहा है आपके सिलेबस में पुनरुक्ति प्रयास अलंकार नहीं है, क्योंकि ये लास्ट ईयर था, ये अभी आपका रिपीट हो चुका होगा, बाकी आपको तैयार नहीं करना है। जैसे छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णित छंद। जैसे छोटा छंद माताओं की दृष्टि से किसका उल्टा होता है, दोहा को उल्टा होता है। ओके, छोटा छंद हमारे सिलेबस में है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा छंद है वो क्या है, दोहे का उल्टा होता है। मैं जब स्टार्ट की थी इसकी परमाशा मैंने आपको पहले लिखवा देता हूँ, मुझे पता है कि किस किस लाइन से कहाँ से टॉपिक आपकी वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं, तो मैं ऐसा आपको कंटेंट देता हूँ जिससे आप क्या है वस्तुनिष्ठ, अगर मेरे कंटेंट को पढ़ते हैं तो वस्तुनिष्ठ भी आपके अपने आप ही तैयार होते जाएंगे, चाहे आप प्रैक्टिस करें चाहे ना करोगे। जैसे व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति कहते हैं, तो कहते हैं व्यंजना, जिसे व्यंग्यार्थ होता है ओके होता है व्यंजना। ओके, जैसे शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति तीन प्रकार के होते हैं। सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में होता है, तो प्रसाद गुण में। सरल शब्दार्थ मतलब सरल शब्दों का प्रयोग किस गुण में होता है, तो आपके प्रसाद गुण में। नेक्स्ट है शब्द गुण के प्रकार के नाम लिखिए, तो हमें पता शब्द गुण तीन प्रकार के होते हैं, माधुर ओज व प्रसाद। आगे देख लेते हैं, ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं, तो 24 शब्द गुण बताए होंगे। भोज कोई कभी होंगे ये कि किसकी बात हो रही है नहीं पता, लेकिन ये कोई व्यक्ति होंगे जिन्होंने क्या है शब्द गुण के क्या है 24 बताए होंगे। नेक्स्ट है शब्द गुण को और क्या कहा जाता है, तो काव्य गुण भी इसे कहा जाता है, मतलब दूसरा नाम क्या है शब्द गुण का, काव्य गुण। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको कहा काव्यबोध के जितने टाइप के आपके काव्यबोध से वस्तुनिष्ठ बन सकते थे सभी कवर कराए हैं, प्रैक्टिस कराइए। आई होप वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आए दोस्तों आपको क्या है तो तुरंत क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करने के साथ साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे क्या है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, साथ ही क्या है आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।